हे गाइस, आज हम जानने वाले हैं किस प्रकार से आप सीएससी की तरफ से आईआरसीटीसी का काउंटर टिकट बुकिंग करने के लिए अपना सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो फुल वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके लिए बेहतर हो सकता है ये वीडियो, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और ये जानकारी लेने के बाद यदि आप काउंटर टिकट ओपन करना चाहते हैं सेंटर, तो वो ओपन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, हो सके तो हमारे चैनल एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहले आपको आना होगा अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में, और यहां पे आईआरसीटीसी सर्च करेंगे तो यहां पे आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो यहां पे क्लिक, हियर पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड रेलवे टिकट बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं तो उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदी अर्थ इसका बताने वाला हूँ, तो वीडियो क्लास तक जरूर देखें। तो आपको आगे बताते हैं कि यहाँ पे आखिर क्या बताया गया है। तो यहाँ पे हिंदी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं, सीएससीएसपीयू ने भारतीय रेलवे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें सीएससी एनआरएचसी टिकट जारी करने में सक्षम रहेगा। तो यहाँ पे सीएससी केवल यूटीएस के माध्यम से कंप्यूटरीकृत एनआरएचसी टिकट जारी करने में रुचि रख सकता है। एक बार में स्वीकृत होने के बाद उन्हें जेटीबीएस काउंटर के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूटीएस एजेंट बनाया जाएगा, और आप अच्छा वर्क करते हैं और अप्रूवल आपको मिल जाता है तो जेटीबीएस एजेंट बन जाएंगे। ये क्या होता है मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी जानकारी दे सकता हूँ। तो यूटीएस एजेंट होता है जहाँ पे आप जो है टिकट बुक करते हैं जनरल का, और जो दूसरा आपको यहाँ पे दिखाया गया जेटीबीएस, उसमें आप कोई सा भी टिकट जो है बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे दिया गया है, आवेदक को केवल एक स्थान के लिए आवेदन करना चाहिए, अधिक स्थानों के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो है आवेदन कीजिए, एक ही जगह के लिए कीजिए। नेक्स्ट, परिसर जहाँ सीएससी टिकट खोलना चाहता है आम जनता के लिए आसानी से सुलभ होना चाहिए। यानी कि आप जहाँ पे सेंटर ओपन करना चाहते हैं वो एक अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छा प्लेस होना चाहिए जहाँ ज़्यादा लोग आते हों, ज़्यादा लोग उस बारे में जानते हों। नेक्स्ट आपका दिया गया है स्थापना व्यय एवं उपकरण की लागत, यानी राउटर बोले तो नेट कनेक्शन, गूंगा टर्मिनल, टिकट प्रिंटर, रिपोर्ट प्रिंटर, नेटवर्किंग पैनल इत्यादि, इसके परिवहन को आवेदक द्वारा पैदा किया जाना होगा। टर्मिनल सर्वर कनेक्टिविटी शुल्क हार्डवेयर के साथ लगभग 1 लाख रुपये जो है लागत आवेदक द्वारा पैदा की जानी होगी, यानी कि ये सब इन्वेस्टमेंट आपको ही करना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है सीएससी को उनके द्वारा जारी किए टिकटों का रिकॉर्ड बनाना होगा और इसे दैनिक आधार पर प्रदान करना होगा। तो आपको एक रजिस्टर बनाना होगा, आपने उस दिन में कितना जो है टिकट बुक किया वो सब कुछ, और साथ ही साथ उसका रिकॉर्ड जो है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को या जिनको भी देना जाना होगा वो आपको उस टाइम में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आईडी का कितना चार्ज पड़ेगा मैं बता देता हूँ, 5,000 रुपये में आपको जो है पंजीकरण शुल्क यहाँ पे लिया जाएगा, जो हार्डवेयर की तैनाती के समय समायोजित किया जाएगा। यानी कि हार्डवेयर के टाइम में जो आपका खर्चा होगा वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, यानी कि यहाँ पे अभी इसको पढ़ने के बाद वो सीधे आशाएँ छोड़ देते हैं क्योंकि 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे बताइए कि मुझे ये सेंटर ओपन करना है, यानी कि काउंटर टिकट अप्लाई करने के लिए सेंटर ओपन करना है। मेरे पास सब कुछ है, इंटरनेट कनेक्शन भी है, प्रिंटर भी है, लैपटॉप भी है, और सब कुछ है। तो आपको वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लेनी होगी, इनका लोगों का टिकट जो प्रिंटर होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो नॉर्मली एक प्रिंटर ले लीजिए और आईडी का चार्ज जो है वो दीजिए आप, तो कम खर्चे में आपका हो सकता है। बाकी यहाँ पे जो 1 लाख रुपये दिया है इसके अंदर प्रिंटर, आपका एक सिस्टम राउटर, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आप किसी से भी यूज करते होंगे, लेकिन जो इनके नियम अनुसार राउटर होना चाहिए, तो राउटर काफ़ी महंगा आता है, डीलिंक का वगैरह वगैरह पता नहीं कौन कौन, तो वो लेना होगा वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले उनसे बात कर लीजिए, उनको कन्विंस कर लीजिए कि आपको ओपन करना है और आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका कम इन्वेस्टमेंट में भी ओपन हो सकता है। अभी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो इस पेज पे आने के बाद में प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे, आप आ जाएंगे इस पेज पे, सीएससी आईडी आपका जो है यहाँ पे शो हो रहा है। देन आपको करना क्या है, नेम भरना है, ईमेल आईडी भरनी है, तो ईमेल आईडी प्रोफेशनल डालिएगा जो आप ज़्यादा यूज करते हो, क्योंकि मेल आए तो आपको पता लगना चाहिए, और ये सब कुछ मैंडेटरी है। यहाँ पे स्टार देख सकते हैं, स्टार मार्क है, यानी कि सब कुछ भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, स्टेट डालिए, सभी स्टेट हैं, ऑल इंडिया के लिए सर्विस है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एड्रेस डालिए अपना जो है पूरा, और यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कहाँ है वो डालिए, कितनी दूरी है वो डालिए, फिर यहाँ पे नियरेस्ट बीएसएनएल ऑफिस कहाँ है। तो ये किस लिए है मैं आपको बता देता हूँ, इन लोगों का जो राउटर होता है वो बीएसएनएल कनेक्शन में होता है, जो भी नेट ये लोग यूज करते हैं
वो BSNL से यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका नियरेस्ट BSNL ऑफिस दिया गया है। तो यदि आपकी कनेक्टिविटी आपके पास नहीं होगी या आपको कनेक्टिविटी इन लोगों को दिलानी होगी तो ये लोग BSNL का ही दिलाएंगे। नेक्स्ट आपको अपना आइडेंटिफिकेशन ID यहाँ पे प्रूफ अपलोड कर देना है, 100 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद में इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। आपका लोकेशन ठीक होगा, वहाँ पे काम अच्छा होगा तो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को CSC बताएगी कि आपके लोकेशन में इन्होंने आवेदन किया है और इनकी लोकेशन पे अच्छे टिकट बुक होंगे और ये काम अच्छा कर सकते हैं, तो वो आपको वहाँ पे आपका सेंटर अलॉट कराने के लिए आपसे बात करेंगे। आप जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी पे ऐड करेंगे। और भी आपको परेशानी क्या हो सकती है यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे ट्रांजेक्शन करा नहीं रहे हैं तो आपसे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। तो आपको क्या करना है, CSC में जो लिस्ट दी हुई है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की, तो वहीं से फ़ोन आए तभी आप उनको पेमेंट कीजिएगा। हैंड टू हैंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब नई सर्विस आती है और पैसे देने की बात होती है ना तो कई लोगों का पैसा डूब जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो वही बहुत सारे कांड जो सामने आते रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सी सावधानी बरती है। और मैं सजेस्ट करूँगा आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो तभी सेंटर को ओपन करें, क्योंकि ये सेंटर आप इस सेंटर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर ना आप फोटोकॉपी कर पाएंगे ना कोई ऑनलाइन वर्क, वो सेंटर सिर्फ और सिर्फ टिकट बुकिंग करने के लिए ही होगा। तो यदि आपका अच्छा काम आता है तभी इस सेंटर को ओपन करें, जनरल टिकट करें, अच्छा कमीशन कमाएं। कमीशन वगैरह क्या यहाँ पे शो ऑफ नहीं किया गया है तो आपको बाद में ही पता चलेगा IRCTC या अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से mail ID के थ्रू। तो आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे तो कोई पैसा पड़ नहीं रहा है तो आवेदन कर दीजिए, और यदि आपका अप्रूवल के लिए आ जाता है तो आगे का प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं आगे जानकारी अगर मुझे मिलती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।